पूरे देश की नजरें टिकी हैं, मिले सुर हमारा तुम्हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक चल रही है। लगभग 3 घंटे हो चली है ये बैठक। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेता मौजूद है। कश्मीर की सियासत के दिग्गज फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शिरकत कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। तमाम नेता उमर अब्दुल्ला एक एक करके आप सबकी तस्वीर देख रहे हैं। ये सभी नेता मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास पर। राजधानी में ये बैठक चल रही है। क्या कोई खबर इस बैठक पर आ रही है? कुछ ही देर में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे प्रधानमंत्री आवास से। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और इसीलिए हमने भी नाम दिया है मिले सुर हमारा तुम्हारा। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सुर मिलेंगे। ये सवाल इसलिए कि बैठक से पहले कश्मीर के 2 दिग्गजों महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ने सुर मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते दरार के संकेत मिलने लगे। महबूबा ने पाकिस्तान से बात की वकालत की थी, फारूक अब्दुल्ला ने पल्ला ही झाड़ लिया। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लिए चलेंगे आपको प्रधानमंत्री आवास भी, और वहां पर क्या इस बैठक से कोई खबर बाहर आ रही है बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने न्योता भेजा तो जम्मू कश्मीर के सारे दिग्गज आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला आए और PDP की महबूबा मुफ्ती भी आई अपनी नीतियों, अपने नजरिए और अपने एजेंडे के साथ। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। दिल्ली पहुंचने से पहले गुप्तकार गुट ने एकजुटता का पूरा संदेश दिया, मिलकर PM की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। हैरानी ये कि महबूबा ने दिल्ली आने की तैयारी के साथ साथ पाकिस्तान राग भी अलापना शुरू किया, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे तो PDP चीफ के बयानों से पल्ला झाड़ लिया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खित्ते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं? हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, धारा 317 पार्टी का गठबंधन तो है। देखिए, जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर है, वो पार्टी की बात करती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है। पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर क्या ठीक आपको लगता है? ऐसे मौके पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने दूसरी पार्टियों को मिलाकर गुप्तकार गुट बना लिया। जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव में भी गुप्तकार गुट ने अपनी ताकत आजमाई। सूबे के हर मामले को लेकर गुप्तकार गुट एक साथ माथापच्ची जरूर करता है। प्रधानमंत्री ने बैठक का न्योता भेजा तो गुप्तकार गुट ने मीटिंग की और दिल्ली आने को लेकर चर्चा की। खबरों की माने तो महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होना नहीं चाहती थी, वहीं फारूक अब्दुल्ला बैठक में शामिल होने के पक्ष में थे। हालांकि ये मतभेद बाहर नहीं आया और गुट के सारे नेताओं ने एक मत से दिल्ली आने का फैसला किया। बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सके। इस बीच महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान पर बवाल भी बढ़ रहा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पूर्व CM को जेल भेजने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त भी जब आप ये शो देख रहे हैं, लगभग 3 घंटे से ये बैठक चल रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने न्योता दिया तमाम नेताओं को कश्मीर के, और ये चर्चा क्या किस तरह से आगे बढ़ रही है इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता BJP के जुड़ गए, अशोक पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, ताहिर सईद साहब प्रवक्ता PDP के, इश्फाक जब्बार साहब प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हिमांशु हमारे सहयोगी। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, 3 घंटे निकल गए, बात कश्मीर की है, चर्चा लंबी चल रही है, क्या अंदर से कुछ भी खबर आ रही है और किस तरह के संकेत हम आने लंबी खिंच रही है बैठक? अब
देखिए बिल्कुल अंजना, 3 घंटे से ज्यादा समय जो है वो हो चुका है इस बैठक को चलते हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, ये हम सब जानते हैं। आपने भी कहा कि ये बैठक से जिस तरीके के फोटोग्राफ्स को देखने के बाद आपने जेस्चर्स देखे नेताओं के, उसे आप कह रहे हैं कि मिले सुर हमारा तुम्हारा। मैं एक इस पे एक लाइन जोड़ देता हूँ, ये गुप्कर गैंग जो है, आप देखिए कि मिले सुर हमारा तुम्हारा इनका हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब जो है अपने अपने सुरों को अलापने के इतने आदी हैं कि अलग अलग हमेशा राग अलापते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही दिल्ली आने के हुए सबने अपने अलग अलग सुर जो है वो अलापने शुरू कर दिया। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही हैं, और इसीलिए आज इस बैठक के अंदर सभी नेता जो हैं वो अपनी अपनी बात को कहेंगे। कश्मीर को लेकर, क्या कश्मीर को आगे कैसे लेके जाना है, कश्मीर में किस तरीके के हालात हो, जम्मू कश्मीर में किस तरीके का विकास किया जाए, और किस तरीके से राजनीतिक दलों का जो है इसमें भागीदारी हो, और डीलिमिटेशन में किस तरीके से जो है सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी हो, और सब जाके अपनी अपनी बात को कहें। मेरी एक और इसके अंदर जो मेरी जानकारी है वो ये है कि चुनावी प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए, 2 साल हो गए, अब चुनावी प्रक्रिया को तेज किया जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन का काम लगभग लगभग पूरा हो गया है, मार्च तक का उसके पास जो है वो टाइम है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया तेज हो। चुनाव प्रक्रिया तेज करने के लिए सभी को अपनी अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, और इसी विरोधों के बावजूद सब चुनाव में जाएं, ये केंद्र सरकार की मंशा है, चाहे वो उनके एजेंडे कुछ भी हो, इस बैठक में हो या बाहर हो। बिल्कुल, और ये पहल ऐतिहासिक है। एक बार फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, अपने दर्शकों को भी जरा दिखाते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी और तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे। तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, और वो तस्वीर जब फोटो ऑप की तरह सबने खड़े होकर, हालांकि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बैठे हैं, एक तरफ एलजी है, दूसरी तरफ गृहमंत्री है। ये देखिए प्रधानमंत्री सबका स्वागत करते हुए, जिसमें एलजी भी आपको, गुलाम नबी आजाद, इस केमिस्ट्री की बड़ी बात हुई, बड़ी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री सबका स्वागत करते हुए, फारूक अब्दुल्ला, सब एक दूसरे को नमस्कार करते हुए, और ये तस्वीर अपने आप में आज के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि एक तरफ बीच में प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बाद आप कतार देखते हैं, गृहमंत्री से शुरू होते हुए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दिखते हैं उस तस्वीर में, जो ग्रुप फोटो है वो दिखाइए जरा, और फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं एलजी और उसके साथ तमाम नेता मौजूद हैं। पीछे आपको कतार में तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ये तस्वीर देखिए, और फिर गुलाम नबी आजाद एलजी के बाद, और फिर उमर अब्दुल्ला। अब एक एक तस्वीर पर जबरदस्त चर्चा हो रही है, और सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय भी लिख रहे हैं। किसने सोचा था कि एक वक्त पर जिस तरह से इन पार्टियों के नेताओं को नजरअंदाज तक कर दिया गया था अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, और जिस तरह की कटुता देखी जा रही थी, उन सब पर लेप लगाने की कोशिश है। और इसी के साथ, क्या कश्मीर का आगे का रास्ता ऐसा बनेगा जिसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा? लेकिन आप इस तस्वीर में, ग्रुप फोटो में, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बाद जितेंद्र सिंह को भी देख रहे हैं, दोनों आसपास तो खड़े हैं, लेकिन आज सुबह सुबह दोनों के सुर बिल्कुल अलग हो गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा था, अच्छी बात है आप बात कर रहे हैं, आप बात सबसे कीजिए, बात पाकिस्तान से भी कीजिए, लेकिन आज पाकिस्तान के सवाल पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली पहुंचते ही, और उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन के प्रधानमंत्री से बात करने आ रहा हूं, मुझे पाकिस्तान पर कुछ नहीं बोलना है, ये निजी बयान है। 22 तारीख को जब गुपकार की बैठक हुई थी, तब पूरी कोशिश थी कि गठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाई जाए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, दारोमदार जम्मू कश्मीर के आगे के रास्ते का आज की इस बैठक पर है, क्या सुर वाकई मिलेंगे, या फिर इन सुरों को मिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई अनुच्छेद 370 की राजनीति करता है तो कोई अपने तरीके से कैसे पाकिस्तान परस्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाता है, दिखाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान का भी स्टेक है जिसे भारत सरकार और भारत बल्कि कभी नहीं स्वीकारेगा। देखिए अंजना जी, ये भारत के जीवंत लोकतंत्र का सौंदर्य है, जो 8 दलों के 14 नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री जी के साथ जिस तरह की बैठक में आए हैं, और स्वाभाविक तौर पर है लोकतंत्र में हर किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन अंततः लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विकास, और उस विकास में सबको जुटना, सबकी भागीदारी, और वहां लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की तैयारी, तो स्वाभाविक तौर पर सारे लोग आएंगे और हर किसी का अपना अपना मत होगा, लेकिन संप्रभु भारत के हितों के विरुद्ध अगर किसी का मत होगा तो स्वीकार नहीं होगा। स्वीकार्य वही होगा जो जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों के हित में होगा, जम्मू एवं कश्मीर के हित में होगा, संप्रभु भारत के हित में होगा, और जम्मू एवं कश्मीर को विकास के महामार्ग पर ले जाएगा।
ऐसे में यह जो संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है यह स्वागत योग्य है और यह प्रक्रिया सतत चलती है, यही कामना है। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है सापरा साहब? देखिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा टाइटल रखा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगर ये सुर जो आज मिल रहे हैं ये 2019 में मिले होते, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी उस समय, जम्मू कश्मीर असेंबली को बायपास किया गया, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और 11 महीने तक इंटरनेट वहां पर बंद रहा, एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन वहां पर बनी रही। अगर यही सुर 2019 में मिलते तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर का जो आज सरकार चाह रही है कि वहां पर विकास होना चाहिए, वो विकास की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती। जहां तक 370 की आपने बात की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगस्त 2019 का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है और जून 2020 का जो रेजोल्यूशन है वो फुल स्टेटहुड की बात करता है, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करता है। निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीर के टुकड़े किए गए वहां पर हमारा विरोध है, और 370 तो आपको पता है कि समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने ही उसमें संशोधन किए हैं, करीबन 65 बार उसमें संशोधन हुए हैं और हमारे पर आरोप भी लगे हैं कि हमने उसको एक स्केलेटन बना करके रख दिया है। तो सवाल यह है कि आज जो सरकार कर रही है ये अगर आप पहले करते 2019 में करते तो जम्मू कश्मीर का विकास जो है वो जल्द होता। ठीक है, आपकी ये बात सही है कि पहले भी कदम उठाया जा सकता था, लेकिन आपने दोनों ही सवालों पर थोड़ी सी कन्नी काटी, स्पष्टता से बोलिए आप चाहते हैं अनुच्छेद 370 हटे, हाँ या ना, हटा रहे मतलब उसको आप बहाली की वकालत नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि विभाजन हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि लद्दाख को फिर से जोड़ा जाए? देखिए मैं आपको, आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूंगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पर कि उसमें पर्याप्त चीजें सारी लिखी हुई हैं, और यही हमारा कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो बहाल होनी चाहिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया से ही जम्मू कश्मीर चलना चाहिए, वो भारत का अभिन्न अंग है। महबूबा मुफ्ती जी का जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। अनुच्छेद 370 और लद्दाख पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, तीसरी बार पूछ रही हूं सर। नहीं तो हमने तो कहा ना, जो जो इन्होंने डिवीजन किया है, जो यूनियन टेरिटरी बनाई है वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने तो फुल राज्य का दर्जा मांगना अलग चीज है। मैं बार बार कांग्रेस राज्य का दर्जा, एक सेकंड सर, राज्य का दर्जा मांगना अलग चीज है। आपने कहा विभाजन कर दिया है, आप क्या चाहते हैं कि लद्दाख वापस जुड़े? नहीं, हम यही फुल स्टेटहुड का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है कि ये सारा जम्मू कश्मीर जो है वो एक होना चाहिए और इसके अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो बहाल होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर। ताहिर सईद साहब, देखिए मुझे पता है कि पाकिस्तान वाले बयान पर मैं सवाल पूछूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन ये सवाल है ना कि भागीदारी ही लक्ष्य है या फिर सत्ता लक्ष्य है? क्योंकि अगर सत्ता लक्ष्य है तो फिर पाकिस्तान को एक उसका स्टेक मानते हुए पाकिस्तान का नाम आने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान का जिक्र जब महबूबा मुफ्ती ने किया तो जाहिर तौर पर उन्हें भी एहसास होगा कि जो लोग उस आतंकी मुल्क से परेशान हैं वो कितने आहत होंगे। ताहिर सईद साहब, और देखिए पल्ला झाड़ लिया फारूक अब्दुल्ला ने, उनका तो हम तो अपने वतन के पीएम से बात करने आए हैं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अंजना जी मुझे पाकिस्तान के शब्द सुनने पर गुस्सा क्यों आएगा, या आप मुझे पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगी तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा? या आपकी गलत फहमी है तो आप गलत फहमी दूर कीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके शो में आया हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सवाल का अच्छे से जवाब सुनेंगे, आप बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे या कोई मुझे दूसरी तरफ से कोई मुझे इसका बाधा नहीं डालेगा जो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखिए जहां तक पाकिस्तान के साथ हमने बात की, जो हमने कहा कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, मुझे आप एक बात बताइए, क्या भारत के जो विदेश मंत्री हैं क्या उन्होंने जगह जगह पर जाकर ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बायलैटरल इशू किनके दरमियान ये बायलैटरल इशू है? ये बायलैटरल इशू खुद इंडिया कहती है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो हम नहीं कहते हैं ना। इसलिए हमने कहा आप इंटरनल लेवल पर डायलॉग कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल लेवल पर भी डायलॉग कीजिए। पंडित नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने, सभी सरकारों ने
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीर पर पाकिस्तान से बात की है और कर रहे हैं। बैक चैनल्स के थ्रू वन पे अदर पे बात हो रही है। इसीलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये हमारा हक बनता है। ये देखिए हमारे पॉलिटिकल पार्टी हमारी अपनी देख रहा है। आपने अपनी बात कह ली, एक एक लीडिंग सवाल है इससे, पाकिस्तान का क्या स्टेक देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? आप ही से बात करेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पाकिस्तान का क्या स्टेक है कश्मीर में साहब? ये डिसाइड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, जो बार बार कहते हैं कि ये बायलैटरल इशू है। अरे वकालत आप कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की, पाकिस्तान की बात पर आप आहत नहीं होते, अच्छी बात है आप खुश होते हैं, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना, क्या स्टेक है? महबूबा जी ने कुछ सोच के ही कहा होगा ना कि पाकिस्तान से बात कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान से इस वक्त हम बातचीत नहीं कर रहे औपचारिक रूप से, तो फिर आप बताइए ना कि पाकिस्तान का क्या स्टेक है, जवाब दीजिए ताहिर से। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है जो ये पूरी दुनिया में जाकर बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी बोला कि पाकिस्तान से बात करनी है, महबूबा जी ने कहा ना, दुनिया ये दुनिया में जाके बोलते हैं। क्या स्टेक है? हम जम्मू कश्मीर से होने वाले हैं, ताहिर सही है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। अब मेरी बात सुनिए जजना जी, ये हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारे बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी तनाजे हैं, जितने भी मसाइल हैं, उनका खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। अपनी एनओसी जाकर रिपोर्टिंग करती है, मैंने कई बार आपकी रिपोर्टिंग देखी है, आपको नहीं मालूम कि किस तरह की जिंदगी वहां पे लोग गुजार रहे हैं। इससे पहले भी बात हुई, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बात हुई, जम्मू कश्मीर में एक अच्छा एक साजगार माहौल रहा, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को राहत मिली। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हम ये कहें कि आप जाके पाकिस्तान में बम गिरा दो? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से मैं दोनों ही बातों का जवाब लूंगी जो आपने कहा है और चरण सिंह साबरा साहब ने, लेकिन उससे पहले अशोक पंडित जी, आज गुस्सा दिखा डोगरा का, कश्मीरी पंडितों का जम्मू में महबूबा मुफ्ती के उस बयान में, लेकिन जो दलील ताहिर सईद साहब दे रहे हैं क्या वो लाजमी है? कंगना जी नमस्कार, अंजना जी नमस्कार, सॉरी अंजना जी, ऐसा है कि हम अपने घाव को नहीं भूल सकते, हम अपने दुख दर्द को नहीं भूल सकते, हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे जेनोसाइड और मेरे एथनिक क्लिनिंग को लेके। प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इन्होंने बहुत काम किया हुआ है जब मेरा निर्वासन हुआ कश्मीर से। बात मिले सुर मेरा तुम्हारा की है, तो मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि जो सुर 70 साल नहीं मिले वो अगले 70 जन्म में नहीं मिल सकते, क्योंकि इनकी नियत ही खराब है। ये फुट सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के, ये फुट सोल्जर्स हैं टेररिस्ट के, ये फुट सोल्जर्स हैं टेररिज्म के, ये आपके देश के अस्मिता में बिलीव ही नहीं करते। 5 अगस्त 2019 को नए कश्मीर ने जन्म लिया, नए जम्मू ने जन्म लिया, नए लद्दाख ने जन्म लिया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमें लगा कि नहीं एक एक एक, एक रोशनी इस पूरे स्टेट में जागी है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक चमत्कार किया हमारे पूरे देश में, और जो उनके अलावा कोई कर नहीं सकता था। एक नई पीढ़ी तैयार हुई उसके बाद, जो कश्मीर में काम कर रही थी, अच्छी तरह से काम कर रही थी, कश्मीर की प्रगति हो रही थी, जम्मू की प्रगति हो रही थी, लद्दाख की प्रगति हो रही थी, और अचानक ये आज के दिन हमारे पर एक बम फोड़ दिया गया है। आपको अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की बातें करनी है तो आप उन लोगों को जो नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं कश्मीर के पॉलिटिक्स में, जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जो कश्मीर के दुश्मन है, जो जम्मू के दुश्मन है, जो लद्दाख के दुश्मन है, उनके साथ ये पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। यह प्रोसेस शुरू होनी चाहिए उन लोगों के साथ जो इस देश में बिलीव करते हैं, यह प्रोसेस शुरू होनी चाहिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ, यह प्रोसेस शुरू होनी चाहिए डोगरों के साथ, यह प्रोसेस शुरू होने चाहिए बकरवालों के साथ, यह प्रोसेस शुरू होने चाहिए लद्दाखियों के साथ, यह प्रोसेस शुरू होने चाहिए विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के साथ। आज भी पूरे जब्ती का जो रिफ्यूजी कैंप है एक दहशत में है। ये लोग जो जिन्होंने हमारे ऊपर हमारा नरसंहार किया, हमारे को घर से बेघर किया, जो हर वक्त टेररिज्म की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, हर वक्त हिंदुस्तान को लूटा है, डराया, धमकाया, ये पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर सकते। हमारा मनोबल टूट गया अंजना जी, आज हम दुखी हैं कि क्या ये जरूरी है कि हम आतंकवाद करें, हम देश के खिलाफ बात करें तभी हमें इंपॉर्टेंस मिलेगा। हमने इतने साल जो अगर बर्दाश्त किया है, हमने अगर इतने साल एक रिफ्यूजी की तरह रहे, क्या हम इसीलिए साइड लाइन कर दिया?
वैल्यूज में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम झंडे को सलाम करते हैं, क्योंकि हम देश की अस्मिता में बिलीव करते हैं। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, ये कैसा पॉलिटिकल प्रोसेस है प्रेम ये जी? कैसा विश्वास है? आज विश्वासघात है कश्मीर के हिंदुओं पे अंजना जी। ये प्रोसेस इनके साथ नहीं शुरू हो सकता है, ये प्रोसेस जो है ये हिंदुस्तानियों के साथ शुरू हो सकता है। और नई पीढ़ी कश्मीर के नए मुसलमानों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है 2019 5 अगस्त के बाद। वो दहशत में कि अगर आपने इन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देना था तो आपने हमको सामने क्यों खड़ा किया? प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी, जिन्हें प्रेम था वो भी सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, बादल छा गए, जवाब दीजिए। बादल छा गए, तलवार पर चलना है जी, दोधारी तलवार है जी। नहीं, निश्चित रूप में आदरणीय, मैं आदरणीय अशोक पंडित जी की भावनाओं का आदर करता हूँ। निश्चित तौर पर वहाँ का कश्मीरी पंडित समाज, एक सवाल वो पूछना चाह रहे हैं, पूछिए 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 जी। अंजना जी, मैं एक और चीज कहूंगा, आपने कहा अपने शो में इंट्रोडक्शन में, सॉरी प्रेम जी, कि फारूक अब्दुल्ला एक अलग भाषा बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती एक अलग भाषा बोल रही है। मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, ये इनकी सोची समझी राजनीति है कि आप ये लाइन पकड़ेंगे, आप ये लाइन पकड़ेंगे। ये सब एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनका इनका पूरा धैर्य, इनका पूरा एक एजेंडा है जो साथ में मिलकर देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। मैं आदरणीय अशोक पंडित जी की भावनाओं का आदर करता हूँ। निश्चित तौर पर आदरणीय अशोक पंडित जी उस कश्मीरी पंडित समाज से हैं जिसने जो है निर्वासन का दंश 3 दशकों तक झेला है, और निश्चित तौर पर हम उनके घावों को जो है किसी एक निर्णय से पूरी तरह से भर नहीं सकते हैं, लेकिन उनको विश्वास रखना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के सम्मान की रक्षा करने के लिए निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। जैसा आपने कहा लद्दाख, लद्दाख के लिए आपने देखा ही कि लद्दाख को जो है अलग प्रांत का दर्जा जो है देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। और जैसे भी चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे कि भाई जो है विभाजन कर दिया गया, आदरणीय सप्रा जी देखिए 1952 के बाद इस देश में विविध राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तो आपके राज्य में भी आपने जो है संसद के चारों तरफ से बंद करके आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो है पुनर्गठन किया था, और उस पुनर्गठन को जो है उस पुनर्गठन की तुलना में जो जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है वो अति लोकतांत्रिक है। जिस तरह से संसद के सारे दरवाजे बंद करके जिस अंदाज में आपने आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित किया था, उसकी तुलना में जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और जो है आप जो कहते हैं अनुच्छेद 370 के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 370 तो टेम्पररी और ट्रांजिएंट था, ये तो पहले से ही फिक्स था ना। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1960 के दशक में संसद में खड़े होकर कहते थे ना कि अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। अब आप उसको घिस नहीं सके, ये आपकी नाकामी थी, ये हमारी कामयाबी है कि हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करके वहां सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके, हम बकरवालों को वहां, जनजातियों को वहां सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके, हम वहां पर अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके, हम वहां के वाल्मीकि समाज को जिसको 6 दशकों से जो है मताधिकार भी नहीं प्राप्त, और वाल्मीकि समाज का बेटा जो है वो सफाई कर्मी ही हो सकता है, इस तरह का जो शोषण का आपने कानून जारी रखा था उसको परिवर्तित किया है। साहब जल्दी से, सामाजिक न्याय देने का काम किया है, आंचलिक न्याय देने का काम किया है, हर चीज पर धुन। देखिए देखिए प्रेम शुक्ला जी ये भूल जाते हैं कि जब ये 370 बनाया गया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी कैबिनेट के अंदर थे। ये तो इनका राग जो है वो 1952-53 के बाद में शुरू हुआ है, और जब उसमें लिखा है कि ये टेम्पररी प्रावधान है, आपने खुद कहा कि पंडित नेहरू जी ने कहा कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, ये बातें तो पता ही है सब लोगों को। और जो आपने बात की है पार्लियामेंट को बंद करके, तो वहां पर वोटिंग होनी थी इसलिए बंद हुआ था। आपके जैसे हमने विधायकों को, सांसदों को या पूर्व मुख्यमंत्रियों को हमने जेल के अंदर नहीं डाला, हमने कहीं पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर इंटरनेट को 12 महीने के लिए बंद नहीं किया था, हमने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं वहां पर बनाई थी। ठीक है, मिले सुर हमारा तुम्हारा, प्रधानमंत्री आवास पर 3.5 घंटे से बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इसी के साथ तमाम नेता जो जम्मू कश्मीर के आए हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इन तमाम तस्वीरों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि इस बैठक के पहले कैसे गुपकार में दिखी दरार। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं,
हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट, तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर, और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। क्या एक तरफ चुनाव परिसीमन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर जो तमाम बातचीत हो रही है उसमें पाकिस्तान की जो बात बीते दिन महबूबा मुफ्ती ने कही थी आज भी वहां पर कहती हैं। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा किन बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बताया गया यही जानकारी थी सूत्रों के हवाले से कि जो विकास का रोड मैप है वो दिखाया जाएगा। एक बार फिर से फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि सबकी नजरें जो कटुता तमाम पार्टियों में पहले देखी गई थी उस पर एक ढक्कन, एक तरह से उस पर पूर्ण विराम लगाने की एक कोशिश है जिसमें तमाम कद्दावर नेता आपको दिख रहे हैं इस पूरी तस्वीर में, प्रधानमंत्री बीच में, फिर गृहमंत्री के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितेंद्र सिंह पीएमओ में एमओएस हैं, और इधर एलजी मनोज सिन्हा के बाद गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, और फिर तमाम नेता आपको दिख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के जो इस चर्चा में शामिल हैं। आपके साथ अब मैं शुरू करना चाहती हूं, हमारे साथ अब मुझे बताया गया है ताहिर सईद साहब के साथ साथ इश्फाक जब्बार साहब प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। इश्फाक साहब, क्या सबसे बड़ा एजेंडा होगा? और अशोक पंडित जी का कहना है कि ये जो दरार दिखाने की कोशिश की गई ये प्री प्लान था कि वो अपनी बात कहेंगी पाकिस्तान से बातचीत की और फारूक अब्दुल्ला साहब उसको नकारेंगे, ये एक फ्रंट दिखाने की कोशिश है सिर्फ, रास्ता पहले से तय था, फिक्स्ड मैच है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि ये दो अलग अलग इश्यूज है, मतलब एक तो विकास का मुद्दा, एक हमारा जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से एक बार आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला वो तो मुझे लगता है अपने तरीके से ट्रैक टू पे शायद चले, कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं मिल जाए या जो भी हो, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे दारमदार है। लेकिन मुझे लगता है हमें इन बातों में अभी नहीं जाना चाहिए। हमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, आप इसको पॉजिटिव साइन लेके चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बाकी की जो हमारे जम्मू कश्मीर की जमाते हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के इस पे आ गई और अपनी बात रखी, और विकास जैसा आप कह रही है स्टेटहुड की बात चली होगी या हमारे इलेक्शन प्रोसेस की बात चली होगी, तो ये चीजें हैं, ये दो मेरे ख्याल से अलग अलग दो विषय है, इनको जोड़ के चलना मुझे नहीं लगता अलग कैसे है, हमारे लिए इंटरलिंक्ड है ना सर, इंटरलिंक्ड है ना, विकास के लिए वहां पर शांति की जरूरी है ना, शांति के लिए उकसाने से बचना होगा ना, परहेज करना होगा ना नेताओं को, क्यों ताहिर सईद साहब? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो साफ कर दिया, ताहिर साहब से पूछते हैं जरा, जहां तक ये जो दो बातें हैं ये अलग है, मैं मानता हूं कि ये अलग चलनी चाहिए, और हमें जो हमारा मैंडेट है हमें अपने जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बात करनी चाहिए, और जो आर्टिकल 370 है वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पे सबने अपनी अपनी पीआईएल रखी हुई है, तो उसका इंतजार करना चाहिए, या तो हम ज्यादा ना इस पे बोल दे। हाँ, लेकिन बोला ना ताहिर सईद साहब, ताहिर सईद साहब से मेरा सवाल है, जरा सब सुनते हैं उनका जवाब, अपनी बात रख, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ताहिर साहब जवाब देंगे, ताहिर साहब जी। अंजना जी आप सवाल करें, मैं सुना नहीं, आप सवाल पूछे क्या? अंजना जी आप सवाल, आपसे दोबारा पूछूं, सवाल यही है कि इंटरलिंक्ड है, जब्बार साहब कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग है लेकिन इंटरलिंक्ड है, विकास के लिए शांति जरूरी है, शांति के लिए उकसाना छोड़ना होगा, उकसाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता उसी के जरिए मिलेगा, तभी ये तमाम बातें होती है ना। अनफॉर्चुनेटली आपने यहाँ के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप है उनके खिलाफ कई साल से आपने एक कैंपेन शुरू किया है थ्रू नेशनल मीडिया,
जो मैं पिछले कई साल से उसे जो हम देख रहे हैं, आप यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं एज कि वो पाकिस्तानीज हैं, एज कि वो यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, एज कि वो यहाँ पे पत्थरबाजी करवा रहे हैं, एज कि वो यहाँ पर कोई हालात खराब करवा रहे हैं। अंजना जी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी भी तरह से ना इन काबू में किसी तरह से हमारा धक्का होता है, ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, जो कुछ भी चल रहा है या आपकी जो चैनल से दिल्ली से पिछले ताहिर सईद साहब, हमने कल बोला क्या पाकिस्तान से बातचीत की बात, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप आईने के सामने खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं, कभी मीडिया पर नाराजगी दिखाते हैं, कभी भारत सरकार पर। पाकिस्तान के लिए दो बुरे शब्द नहीं मिलते हैं, जो बार बार वहां से आतंकियों को भेजता है उसके बारे में बोलने में आपकी जुबान कांपती है। ये एक उस प्रोसेस का हिस्सा था जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स को डिस्क्रेडिट करना था। आपकी छवि के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी छवि के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से कम मत भागिए, बड़े कमजोर नजर आएंगे। जो कहते हैं फिर उसको सीना ठोक कर सामने ओन अप कीजिए, वरना मत कहिए, सोच समझ कर बोलिए। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि दिल्ली के मीडिया ने यहाँ के मेन स्ट्रीम आपके साथ यही प्रॉब्लम है, आपको हर किसी में खोट नजर आएगी। मैंने आपको आमंत्रित किया ना कि आप अपना पक्ष रखें, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वाजिब, आप उस पर मीडिया पर ही बरस रहे हैं, ये दिक्कत है। आप अपनी छवि के लिए खुद जिम्मेदार हैं, आपको ये तय करना होगा ना कि बातचीत से एक दिन पहले पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर स्टैंड है कि हम बातचीत नहीं कर रहे तो नहीं करना होगा। बहरहाल तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री आवास से, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या बैठक खत्म हो रही है, लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तस्वीरें आ रही है? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल वहां से निकले हैं, जो तस्वीरें आ रही है मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद थे और वो अब इस बैठक से निकल रहे हैं। कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि अन्य लोग भी निकलेंगे, कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में सामने आएगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़े, क्या प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त? आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक से निकले हैं, लगभग 3.5 घंटे की यह बैठक खत्म हो चुकी है। आगे क्या बैठक और चलेगी इस पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी जैसे ही वहां से जुड़ते हैं हम आपको अपडेट देंगे। कुछ और गाड़ियां वहां से निकल रही हैं और हमें ये रविंद्र रैना जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ बैठक से निकलते ही सीधा लाइव जुड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि बैठक में आखिर क्या बातें हुई हैं। लेकिन हिमांशु आपने देखा जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी, एक एक करके अब ऐसा प्रतीत होता है कि बैठक खत्म होने वाली है और वहां से लोग जो नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शाम 3 बजे से दोपहर बाद शुरू हुई थी और लगभग 7.25 घंटे के आसपास, यानी आप समझ सकते हैं 3.5। हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, क्या नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है, बैठक खत्म हुई? देखिए बिल्कुल, ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा वो निकल गए हैं, उनके बाद जो है फारूक अब्दुल्ला निकले हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं लोक कल्याण मार्ग के बाहर जो है, अब गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलना शुरू हो गया है और ये कह सकते हैं कि बैठक खत्म हो गई है। लगभग 4 घंटे के 4.25 घंटे जो है ये बैठक चली है अंजना, और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। जब ये बैठक प्रधानमंत्री ने कॉल की हो जम्मू कश्मीर के ऊपर, लगभग दो साल के बाद जो है धारा 370 को समाप्त करने के बाद, और उन नेताओं को बुलाया जिनको नज़रबंद किया गया था, और आज उन्हीं नज़रबंद नेताओं को बुलाकर ये चर्चा की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके मन में अब क्या विचार है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर आगे बढ़ा जाए, कैसे उसको विकास की रफ्तार दी जाए अन्य राज्यों की तरह, और साथ ही साथ वहां पे चुनाव प्रक्रिया को कैसे शुरू करना है, उसमें उसके अंदर जो है राजनीतिक पार्टियों का क्या भागीदारी हो, ये सारी चीजें चर्चा हुई हैं। और तमाम जम्मू कश्मीर के जो नेता आए हैं उन्होंने अपना अपना मत भी रखा है और अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है और गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले गाड़ी जो दिखी वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जो इस बैठक में शामिल थे।
वो वहां से निकले और उसके बाद नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस बीच आपको बता दें तमाम नेताओं की बात सुनी गई है, क्या कुछ इस बैठक से निकला है कुछ ही देर में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर तमाम नेताओं की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर यह सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जिस बैठक में शामिल थी, गुलाम नबी आजाद, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, गुपकार एक तरफ, कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, उन सब के बीच ये बैठक अब खत्म हुई है। बीजेपी के भी नेता जिसमें रविंद्र रैना भी शामिल थे, वो सभी इस बैठक से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। बैठक खत्म हुई है लगभग पौने चार घंटे। कुछ और गाड़ियां वहां से निकल रही हैं अब, हिमांशु? देखिए बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियां निकली हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी जो हैं वो निकल चुके हैं इस बैठक से बिल्कुल अंजना। लेकिन यह जरूर है कि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही है और जिस तरीके से नेता अपने एजेंडे लेकर आए थे, लेकिन ये साफ था कि आप अपने सुझाव दीजिए लेकिन जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर कैसे लेके जाएगा, उस पर आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, इसको लेकर बातचीत हुई है। और चुनाव की प्रक्रिया कैसे तेज की जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चाहते थे कि वहां पर चुनाव हो और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर डिलिमिटेशन के बाद ही जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन डिलिमिटेशन जो है अभी लगभग लगभग ये कह सकते हैं कि उसकी जो काम है वो लगभग पूरे हो गए और डिलिमिटेशन का जो कमीशन है वो लगातार बैठकें कर रहा है। लेकिन पौने चार घंटे इस चली बैठक के अंदर क्या निकल कर आया ये अब से कुछ देर बाद जो है वो हम सबको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गुपकार के जो दल हैं वो एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सरकार की तरफ से लगभग थोड़ी देर बाद जो है सरकार की तरफ से जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस बैठक के अंदर सरकार का क्या आउटकम रहा है। बिल्कुल, क्या निकला, ऑडियो सराउंड कर क्या निकला इस बैठक से, कुछ ही देर में जानकारी आनी शुरू हो जाएगी। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या इस बैठक के बारे में कोई भी जानकारी अब तक पहुंची है आपके पास, क्योंकि अब लग रहा है बैठक खत्म है, तमाम नेता निकल रहे हैं? अशरफ बिल्कुल अंजना, आप देख सकते हैं हम गुलाम नबी आजाद जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी मीटिंग वेन्यू से बाहर निकले और उनका काफिला भी हमने देखा। अब जो काफिला यहाँ हमारे गाड़ी में तो गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जहां पर भी मौका मिलेगा यहां गाड़ी से उतरने का। आजाद साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग का निचोड़ क्या निकला, क्या बात हुई, क्या इस बात पर सहमति बनी, और उसी का इंतजार हमें भी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब ये बैठक शुरू हुई थी तब हमने तस्वीरें अंदर की देखी थी, जो प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक हो रही थी उसमें सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने ही बोलना शुरू किया था प्रधानमंत्री के बाद। और जाहिर है कि जो केमिस्ट्री है इन दोनों लीडरों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के, वो व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के दोस्त भी हैं और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो केमिस्ट्री भी इस मीटिंग को इस हद तक पहुंचाने में सफल रही और हमारी कोशिश यही रहेगी। लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो जोर इस बैठक में इसी बात पर था कि जम्मू कश्मीर में जो है किस तरह से हालात सामान्य बने, किस तरह से जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा जो है उसकी रफ्तार बढ़ाई जाए और साथ ही साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार सामने आए, ये तीन खास बिंदु हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। जहां तक स्टेट फूड देने की बात जम्मू कश्मीर की, वो सभी पार्टियों की मांग रही है बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर में, और यहां तक कि जम्मू भारतीय जनता पार्टी ने भी उस बात पर सहमति जताई कि हम जो हैं जब हालात बनेंगे जम्मू कश्मीर के उस तरह के तो वहां पर जरूर। Overwhelming majority of the people asked for the restoration of state. So did you talk about restoring the status, the special status as well, sir? Well, that is pending in the Supreme Court. So one has to wait for the judgment of the Supreme Court. All right, sir. Okay, sir. And what did they say? They spoke about what was the presentation that they made, the center. The presentation that the center made, what did they talk about? They went into details of the development. Okay. Economic development, social development, educational development, employment,
They spoke to about those issues. The Honorable Home Minister as well as the Prime Minister. Did they speak about holding elections, sir? No, they did. They said that they will first delimitation should take place. Okay. After delimitation takes place, delimitation, that process is on. Huh. After that, they will take a call. So delimitation, वो exercise चल रहा है उसके बाद ही call लेंगे. हाँ उसके बाद they will take a call on when to hold the election. Elections के बारे में वैसे कुछ timeline बताया sir? नहीं नहीं timeline तो नहीं होती ना वो तो delimitation commission है. That's an independent commission. So government cannot dictate to see that it will be done in 3 weeks or 3 months or 2 months. प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन उनसे मिला सर? प्रधानमंत्री का बड़ा reassuring था that he understood the problems faced by the people of Jammu and Kashmir and that he will do whatever is necessary to ensure that it becomes a zone of peace rather than a zone of conflict. पाकिस्तान से बात करने की कोई बात हुई सर? पाकिस्तान से भी डायलॉग में इंक्लूड करने की नहीं, वो तो किसी ने नहीं उठाई. वो तो इम्प्लाइड है. पीपल डिड से दैट वी हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान बट ही डिड नॉट. आर्टिकल 370 और 35A को लेकर क्या बात? 35A के बारे में मैंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती 35 की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. आर्टिकल 371 में इनकॉर्पोरेट किया जाए. इट इज अबाउट लैंड एंड जॉब्स दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 371. आई मेड दैट सजेशन. So don't worry. It was not proper for anybody to say, you know, what to do about it because that it should be decided by. गृह मंत्री ने कुछ कहा सर? हाँ उन्होंने भी डिटेल्स में बताया कितनी फंडिंग कितनी है किस इशू में इकोनॉमिक एजुकेशन हेल्थ यूथ स्पोर्ट्स. He went into details. Delimitation Commission में जो associate members जा नहीं रहे उस meeting पे उसके बारे में कोई बात हुई कि आप लोग जाइए उस meeting में? नहीं वो तो delimitation वो तो एक constitutional body है ना. They have asked them to who? Associate members जो पांच associate members. No, associate they are already there. Commission is there. So आपको are you? प्रधानमंत्री से बैठक करके तमाम नेता निकले हैं सर. बैठक में क्या हुआ, क्या खाका रखा गया? देखिए जम्मू कश्मीर के विषयों पर बहुत विस्तारता से चिंता हुई है और सभी पार्टियों का एक मत था और किसी ने कटु शब्दों में इस प्रकार की बात नहीं की. लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहां पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे. प्रधानमंत्री ने क्या चुनाव के बारे में कोई जिक्र किया? क्या उन्होंने अपने भाषण में? बिल्कुल, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो इस प्रकार की बात की गई है और उम्मीद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतंत्र व्यवस्था रुकेगी. क्या अनुच्छेद 370 को लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए अनुच्छेद 370 पर किसी ने अपनी वो जताई होगी तो अलग बात है लेकिन सभी जो पक्ष है अलग अलग आए, कई उसके समर्थन में बोले. उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल स्टेटस रहा है लेकिन हम जाएंगे लेकिन ये मामला सब जुड़ी है और अभी तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती. अच्छा, लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सब लोग मांग कर रहे हैं. सरकार ने भी आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री ने कुछ उसका अभी भी आश्वासन दिया है कि जल्द, और गृह मंत्री ने कहा कि जल्द उसको बहाल किया जाएगा लेकिन ये सारा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के तहत इसको किया जाए. कोई टाइमलाइन नहीं दी गई? टाइमलाइन नहीं होती है, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही ये सब हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम भाजपा के नेता जब बाहर निकले तो उन्होंने दो टूक बता दिया है कि एक तो सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है कि पूर्ण राज्य जल्द ही बहाली की जाएगी, ये गृह मंत्री ने आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जल्दी कराए जाएंगे और इसको लेके संकल्प जो है सरकार प्रतिबद्ध है.
दूसरा पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी डिलिमिटेशन प्रोसेस पर चर्चा हुई है और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिले इसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 को लेकर जब उसका जिक्र उठा तो बोला गया कि मामला सब जूडो से और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये बड़े टेकअवेज बैठक से सबसे पहले इंटरव्यू में। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो मौसमी सिंह हमारे सहयोगी वहां पर बातचीत करते हुए उन तमाम नेताओं से जो धीरे धीरे करके बैठक से निकल रहे हैं। बड़ी बातें हैं, हम जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं, पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये कविंद्र जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है। जल्दी से चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है? कुछ ही देर में लगता है गुलाम नबी आजाद भी मीडिया को एड्रेस करने वाले हैं। गुपकार की तरफ से भी क्या मीडिया को एड्रेस किया जाएगा? क्या कहा पीडीपी ने? चलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि वहां पर ऊहापोह की स्थिति, तमाम नेता एक एक करके निकल रहे हैं और हर नेता से बातचीत करके आखिर बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है यही हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं ये बातें और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी यही बात की है। प्रधानमंत्री कैसे हैं सर? राणा साहब, प्रधानमंत्री से बैठक करके तमाम नेता निकले? देखिए मीटिंग से निकल करके राणा साहब यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर से। सर मीटिंग में क्या हुआ? बहुत ही बढ़िया बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई थी। जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य के लिए और मजबूत जम्मू कश्मीर के लिए अपने पूर्ण सहयोग के लिए कहा है और जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का अथाह प्यार रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग, देशभक्त लोग मेरे दिल में बसते हैं और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमको जो भी कार्य करना होगा हम खुले मन से और बड़े मन से करेंगे। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा बड़े मन से और खुले मन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर की जनता का ध्यान रखा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करेंगे। निर्मल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल सिंह जी भी हमारे, निर्मल जी मैं वो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मीटिंग में उन्होंने बात रखी है, ये बात रखी है उन्होंने मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर बातचीत? देखिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के बातें हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शांति से बड़े प्रेम से सारी बातें सुनी हैं और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, देश की अखंडता के लिए, वहां की डेवलपमेंट के लिए हम सभी जो है इकट्ठे होकर आगे चले, इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और जितने भी लोग वहां पर थे वो लगभग सारे अपनी अपनी बात रखने के बावजूद भी इस बात पर सभी का कंसेंसस था। नहीं कोई, सभी ने वहां के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, आने वाले वक्त में इलेक्शंस हो उसके लिए, लोकतंत्र की बहाली हो, इस प्रकार की बात, सत्र का मुद्दा भी उठाया गया होगा कि बहाली होनी चाहिए। देखिए अपनी अपनी बात सभी ने रखी है लेकिन कुल मिला के कंसेंसस जो है यहाँ पर लोकतंत्र प्रक्रिया आगे बढ़े और वहाँ की डेवलपमेंट हो और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके ऊपर कंसेंसस लगभग था। कैमरामैन अनुराग के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आपने रविंद्र रैना और निर्मल सिंह दोनों की ही बात सुनी है, अब गुलाम नबी आजाद कराता हूँ। मैं बाएं ताए तरफ से गुलाम अहमद मीर साहब हैं जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और मेरे दाएं साइड तारा चंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे पूछे बगैर किया गया, लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने पांच बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड
जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे, तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है, तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग, हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो, तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डोमोसाइल, हिस्टोरिकली डोमोसाइल रूल्स थे, जमीन का तो हमारे महाराजा के जमाने से था, 1925 के जमाने से, और बाद में नौकरी का भी था, तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे जमीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजम है आईएएस आईपीएस वो तो आते रहेंगे, वो तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो है पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है, ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती ही बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहैबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। और पांचवा पॉइंट था कि जिस वक्त गुलाम नबी